मन माही तिन जग में दुर्लभ कछु नाही। जो लोगों के बारे में सोचते हैं, पर हित के बारे में सोचते हैं, उनके लिए जिंदगी में कुछ भी मुश्किल या दुर्लभ नहीं होता। आज अंतरराष्ट्रीय नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े का पूर्णता दिवस है, मैं समापन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूर्णता दिवस है 8 सितंबर, और हम बात कर रहे हैं नेत्रदान के दो ऐसे सशक्त योद्धाओं से जिनको नेत्रदान एक ऐसा पैशन है कि वो इसके बिना अपने आप को पूर्ण नहीं समझते। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति तोमर, आप स्वनेत्र, जी डॉक्टर साहब स्वनेत्र ना जी, स्वनेत्र आई क्लिनिक के ओनर हैं, कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं और फॉर्मर कंसल्टेंट हैं एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के, ईबीएसआर यानी आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के मेडिकल डायरेक्टर हैं। आपसे चर्चा करेंगे नेत्रदान के बारे में। और दूसरी शख्सियत हमारे साथ है डॉक्टर कुलवंत गौड़, आप कोटा से हैं और वहां सनशाइन फाउंडेशन के थ्रू और ईबीएसआर के साथ मिलकर आप नेत्रदान में कमाल कर रहे हैं। कोटा में डॉक्टर कुलवंत कहो तो इज इक्वल टू आई डोनेशन, और आई डोनेशन कहो तो इज इक्वल टू डॉक्टर कुलवंत। तो हमारे साथ ऐसे दो हस्ताक्षर हैं, हम उनसे आज बात करेंगे। बात करेंगे कि आई डोनेशन, नेत्रदान जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या अनुभव होते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले हम डॉक्टर गॉड से बात करते हैं। जी डॉक्टर कुलवंत, आप कोटा में और कोटा के आसपास, आपने कोटा तक भी अपना कोटा नहीं रखा हुआ, आप दूर तक, जिसको हम वैसे कह सकते हैं कि दूर दूर तक मार करते हैं, तो आप जो नेत्रदान के साथ जुड़े, और मेरे ख्याल हम तीनों जने जो बैठे हैं आज मिठालाल मेहता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को काम करते हैं, और उनके पैशन की वजह से हमारे अंदर जो ये नेत्रदान के बारे में पैशन आया उसको हम महसूस करते हुए, डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर कुलवंत आप जरा बताएंगे प्लीज के आपको कैसी कैसी चैलेंजेस वहां फेस करनी पड़ती हैं कोटा में। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने बहुत सही बात कही कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मैं तो आज जहां भी हूँ, जिनकी बदौलत हूँ और नेत्रदान के लिए जितना काम कर पा रहा हूँ, वो शायद ना श्रीमान मिठालाल मेहता साहब के आशीर्वाद की वजह से ही संभव है। और मैं समझता हूँ कि आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो प्रेरणा स्रोत हमारे लिए बने हैं, जो प्रेरणा पुंज हमारे लिए बन के मेरे दिल में रह रहे हैं, मैं शायद उन्हीं की बदौलत ही काम कर पा रहा हूँ जी। तो उनका साथ हमेशा हमारे साथ बना हुआ है, और वो आज चाहे हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम सबके अंदर वो एक प्रेरणा के रूप में मौजूद है। तो देखिए, जब हमने 2011 में इसकी शुरुआत की थी, तो हमें ये जरूर पता था कि हम कोटा में ही काफी लेट थे, क्योंकि हमने जब इसकी शुरुआत की थी तभी काफी लोग नेत्रदान के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। तो हमें लगा कि क्यों ना कोटा के साथ साथ ही आसपास की पेरिफेरी में भी, जहां तक हमारी रीच हो सकती है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना वहां पर भी साथ साथ शुरुआत कर दी जाए। तो हमने सिर्फ कोटा में ही शुरुआत न करी, हमने आसपास के जो बूंदी, बारा, झालावाड़, भवानी मंडी, रामुन मंडी, ये जो आसपास का जो कोटा शहर से लगा हुआ थोड़ा सा बड़ा कस्बा, या ये मान लीजिए कि छोटे शहर जो थे, वहां तक भी हमने इसकी शुरुआत करने के लिए उसी समय निर्णय ले लिया। मेहता साहब से उस समय बात भी हुई, मेहता साहब ने कहा बेटा आप देख लो कोटा पहले करो, फिर धीरे धीरे सबको करना। लेकिन हमें ऐसा लगा कि कोटा पहले ही लेट है, और धीरे धीरे जब कोटा में भी लोग समझेंगे तो आसपास भी लोग समझने लग जाएंगे, तो हमने तो एक साथ ही सब इनकी शुरुआत कर दी। हालांकि मुश्किल जरूर था,
क्योंकि तो जब भी कभी मृत्यु के समय ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो कोई नेत्रदान के लिए प्रेरित होता है, तो हमें कॉल आने के बाद दूर की जो दूरियां जो ज्यादा है वो उनको कवर करना थोड़ा मुश्किल का काम था, क्योंकि जब आप जागरूकता के लिए काम करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इवन जैसे आज हम लोग जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हमारी बात पूरे भारतवर्ष तक जाती है। तो ऐसे में जब जागरूकता बढ़ती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि कभी ऐसी दुखद घटना परिवार में घटे तो हम उनके नेत्रदान करा सकें। तो हमने जब शुरुआत की तो वही हमारे साथ हुआ, 120-150 किलोमीटर दूर से भी हमारे पास कॉल आने लगी, लेकिन आज शाइन इंडिया फाउंडेशन के बदौलत आज ये स्थिति है कि हमने अभी 9 साल हमें काम करते हुए हो गए हैं, 9 साल में अभी तक हमने एक भी कॉल ऐसी नहीं है जो मिस की हो, हमने 150 किलोमीटर दूर दूर जा जाके भी नेत्रदान लिए हैं। आपने पूछना चाहा कि भाई ऐसी कौन सी स्थितियां ऐसी बनती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, तो देखिए नेत्रदान में सबसे पहली जो बाधा आती है वो तो यही है कि लोग मिथ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद है ना किसी भी चीज को दान करने को ही माना जाता है कि शायद अगले जन्म में पता नहीं वो अंग हमारा शरीर का आएगा या नहीं आएगा, एक बहुत कॉमन धारणा है। तो हम लोगों ने ये धारणा को बहुत अच्छे से दूर किया, हमने लोगों को बताया कि मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर जब कोई शरीर का हिस्सा किसी कारणवश काम नहीं कर पाता है या बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो संक्रमित हिस्से को हटा दिया जाता है ताकि जीवन किसी तरीके से बच सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में जब वो व्यक्ति आएगा तो वो जो संक्रमित हिस्सा हटा दिया गया है वो उसको लेकर नहीं आएगा। तो ये हमने थोड़ा सा उनको समझाया कि ये गलत धारणा है, बच्चों में लड़कियों में बहुत कॉमन है कान छिदाया जाता है, ठीक है, लेकिन अगले जन्म में जब वो आती है तो ऐसा नहीं कि कान छिदा हुआ आता है। तो ये ऐसी धारणाओं से बंधी हुई थी, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये तो ये सबसे बड़ा कारण। दूसरा, नेत्रदान के प्रति लोगों का नहीं जुड़ने का कारण ये रहता है, लोगों को लगता है कि यार हमारे यहाँ ये सुविधा तो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि अब जो गांव में जो लोग बैठे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि नेत्रदान जैसा एक पुनीत कार्य संपन्न हो, तो गांव-गांव में ये व्यवस्था अभी पूरी तरह है नहीं। एक बड़े शहर के अंदर जब ये व्यवस्था होती है, हमने अगर रात को 12 बजे भी फोन आया तो हम 1 बजे 125 किलोमीटर दूर, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे किसी भी तरीके की हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ। और उसके अलावा जो हमें दौरा और जो दिक्कत आई है नेत्रदान के काम को दूर दूर तक पहुंचाने में, वो आया एक संसाधनों का अभाव और सरकार का एक उदासीनता भी इसमें बहुत ज्यादा देखी गई है कि सरकार की जो सुविधाएं हमें नेत्रदान को बढ़ाने के लिए मिलना चाहिए वो अभी भी पूरी तरह कहीं नहीं मिल पा रही है। जैसे कि जागरूकता के अभाव के कारण जो वहां पर जो नेत्रदान के प्रति जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको कोई बल नहीं मिल पाता, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हमें इस तरीके का हो पाता है, ना कोई सरकार की तरफ से जन जागरूकता के कोई कार्य किए जाते हैं। अब जब संस्थाएं काम करने लगी हैं तब जाके सरकारी अस्पतालों के अंदर नेत्रदान पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है और नेत्रदान के बारे में बात भी की जा रही है। जब तक संस्थाएं काम नहीं कर रही थी सरकार अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती कि ऐसी जागरूकता की कार्यशालाएं गांव-गांव में पहुंचाई जाए, और यहां तक कि जो कॉर्निया के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग भी जो गांव में जाते हैं, गांव में जाने के बाद जो कॉर्निया के जो पेशेंट होते हैं उनको पूरी तरह काउंसलिंग नहीं कर पाते, उनको ऐसे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचा पाते जहां जो लोग कॉर्निया की अंधता का इलाज कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से काफी जागरूकता बढ़ी है। अगर मैं सिर्फ कोटा की बात करूं तो अकेले कोटा और उसके आसपास के जो 150 किलोमीटर की रेडियस में हम लोग काम कर रहे हैं, अब तक हम कोटा संभाग से 500 से ऊपर जोड़ी नेत्रदान ले चुके हैं और 700 से ज्यादा ऐसे लोग जो शायद दुनिया नहीं देख सकते थे बहुत अच्छे से दुनिया देख पा रहे हैं। तो ये सब जब भी संभव हुआ जब टीम एक अच्छे से एक अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छे जुनून के साथ काम करती। जी डॉक्टर साहब, आपने पूरी डिटेल में बताया कि आपको क्या चैलेंजेस आई और कैसा आपके अंदर पैशन था और कैसे आप गांव-गांव तक जाने की एक मन में एक इच्छा रख के चले और आपने कोई किसी भी बाधा को बाधा नहीं समझा। चाहे मैं ऐसा कई बार मैंने पेपर में पढ़ा है कि साइकिल पे जाके भी लिया और रात को
पैदल चल के भी आप लोग बारिश में भी गए, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से हम पढ़ते रहे हैं। तो ये आपका अंदर का जो अंदर एक वो होती है, फायर होती है, उसकी वजह से ऐसा कर पाते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति हैं। डॉक्टर स्वाति के बारे में मैं एक दो लाइनों में बात कहूंगा कि मैंने कोशिश की है रोती हुई आंखों को हंसाने की, मैंने कोशिश की है सदा रोती हुई आंखों को हंसाने की, बस इससे ज्यादा इबादत मुझे आती नहीं। तो ये इबादत इनको जो महसूस होती है वो यही है कि किसी के आंख में रोशनी लौट आए। तो उसके लिए डॉक्टर स्वाति कई किस्म से काम करते हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं EBSR में, तो वहाँ कॉर्निया का एक जांच जो होती है वो भी डॉक्टर साहब के जिम्मे है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, उस जो आपको आई बैंक में काम करना पड़ता है और आप तो उसका प्रत्यारोपण भी करते हैं, तो आंखों में जब रोशनी आती है तो वो आपको कैसी फीलिंग आती है, उसके बारे में जरा आप प्लीज आज डिटेल में बताइए डॉक्टर साहब। थैंक यू कामरा जी ये पूछने के लिए, क्योंकि आज तक जब भी मैं किसी शो में गई हूँ या किसी भी टॉक में हुआ है, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिकल इंडिकेशंस बताइए, सर्जरीज बताइए, बट ये एस्पेक्ट हम हमेशा छोड़ देते हैं कि जब भी हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो जितनी शिद्दत से वो ऑपरेट कराता है उतनी शिद्दत से हम भी ऑपरेट करते हैं। तो हमें जितनी उम्मीद उसको होती है उससे शायद कहीं ज्यादा उम्मीद हम डॉक्टर्स को होती है कि जो कॉर्नल सर्जन है, कि हम जो सर्जरी कर रहे हैं जिस भी तरह की कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि पता नहीं कितनी रोशनी आएगी, कई बार पेशेंट को बता पाना कि आप कितना देख पाएंगे, और फिर अगर आप अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं बैठते या पेशेंट की उम्मीदों पे खरे नहीं बैठते तो पेशेंट भी डिसअपॉइंट हो जा सकता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है सर्जिकल पूरा एक्सपीरियंस और पूरी जर्नी पेशेंट की और डॉक्टर की, और ये सोचना कि पेशेंट की मानसिकता क्या है, तो वो तो जब आपके पास आता है तो आपको सब कुछ आप पे छोड़ देता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो रोशनी चाहिए। कई बार ये होता है कि दोनों आंखों से नहीं दिख रहा, वो कहता है आप एक आंख बना दीजिए तो उससे बस हम कुछ नहीं, हम बस अपना रोजीना का काम कर लें। तो कई बार होती है ये भी इतनी थोड़ी होती है, मगर उनको भी मीट आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसकी कई मेडिकल कंडीशंस बहुत नहीं होती। तो एक किस्सा है, जब एक पेशेंट थी करीबन 70 साल की, एक बूढ़ी अम्मा आई और उसको चार पांच लोग पकड़ के लाए, उसके नाते रिश्तेदार, और क्लिनिक में मेरे बैठा दिया और कहा कि डॉक्टर साहब हम तो इसको अब पाल नहीं सकते, आंखों से इसे दिखता नहीं है, आप अगर आंख में कुछ कर पाओ तो करिएगा, वरना ठीक है अपना रोटी अब कहीं भी कोई दे देता है उसको। तो मैंने जो था उसको कहा कि नहीं, टेस्ट वगैरह किए, हमने उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद उसको दिखने लगा। अब दिखने लगा तो वो बहुत खुश हुई, तो मुझसे सबने कहा कि धीरे धीरे, पहले चार लोग आते थे उसके साथ, फिर दो लोगों ने आना शुरू किया, फिर वो अकेली आने लगी। तो ट्रेन में बैठ के आती थी कहीं फुलेरा से, और उसका ट्रेन का टाइम फिक्स्ड होता था, फिक्स टाइम पे आती थी, फिक्स टाइम पे चली जाती थी। एक दिन मेरे स्टाफ ने कहा कि मैडम आज इसकी ट्रेन छूट गई, तो मैंने कहा कि चलो, मेरे पास भी टाइम था, मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हें, अब तुम्हारे साथ वाले सारे कहाँ गए, वो तो चार चार पांच पांच जने आए थे। बोले मैं अब किसी पे निर्भर नहीं हूं, बोली मैं मिट्टी खोदती हूँ और 100 रुपए रोज के कमाती हूँ, और आपने मुझसे कहा कि मिट्टी से बचना, धूल से बचना, ये बचना, तो अभी जितना बच सकती हूँ मैं बचती हूँ, चश्मा लगा के खोदती हूँ मिट्टी, और जो 100 रुपए कमाती हूँ उसमें 60 रुपए की तो दवाई पड़ जाती है मेरी दिन की, और 40 रुपए की मैं रोटी खा लेती हूँ, थोड़ा सा पैसा आपके हर महीने दिखाने के लिए मैं आ जाती हूँ, तो वो ट्रेन की जो टिकट है वो उसमें निकल जाता है। तो मगर उसकी जो चेहरे पे जो खुशी, जो सैटिस्फैक्शन था, वो मैंने पहली बार रियलाइज किया कि किसी पेशेंट की ये साइड ऑफ स्टोरी भी होती है। हम तो सिर्फ अपनी साइड देखते हैं कि पेशेंट नहीं आया या आया, उसका विजन हमने रिकॉर्ड किया, अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट किए, देखा पुतली ये है, जो भी है, ट्रीटमेंट चेंज किया और नेक्स्ट पेशेंट को देखने लग गए।
मगर जब आप उनसे मिलते हो, उनसे बैठ के बात करते हो और जब आप रियलाइज करते हो कि कितना बड़ा चेंज आया उसकी लाइफ में, मतलब उसकी जिंदगी पूरी, और बोली अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे नाते रिश्तेदार थे वो सब गए, तो मैंने कहा भाई तुम अपना ध्यान रखो, तुम मिट्टी खोदती हो और क्या हो जाएगा तुम्हारी आंख में। बोली 5 साल से तो मैं आ रही हूँ आपके पास, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब अगर होगा तो देखा जाएगा। तो उसकी जो फेथ था या जो कॉन्फिडेंस था वो प्रोबेबली शायद मेरे में भी नहीं था जब मैंने उसकी सर्जरी की, कि मुझे लगा कि देखते हैं कितनी रोशनी आती है, कितना इसको रिहैबिलिटेट कर पाते हैं। बट जब हम इनकी स्टोरी सुनते हैं लगता है कि इतना मैसिव चेंज होता है इनकी लाइफ में, और ये लोग इतने डिफरेंट तरीके से, इनकी कई बार तो पूरी लाइफ बदल जाती है। जैसे एक पेशेंट था मेरा, उसने कहा कि मैंने 52 साल की उम्र पे ट्रांसप्लांट कराया, तो जैसे ही हमने पट्टी खोली वो घूमा पूरे में, नाचा वार्ड में। तो हमने कहा भाई तुम नाचो वाचो नहीं, तुम्हारा अभी पट्टी खोली है। बोला मुझे दिख रहा है, अब मेरे पोते पोती को बुलाओ, मेरी बीवी को बुलाओ, मैंने तो 25 साल से किसी को नहीं देखा, मुझे मेरे इसको बुलाओ उसको, नाते रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया हॉस्पिटल में कि मैंने तो देखा ही नहीं, अब मैं बीकानेर जाके अपना घर देखना चाहूंगा। मैं जो सारे पड़ोसी सबको आवाज से पहचानता था, उसको हमने आवाज सुनाई और कहा तुम इसको बताओ, तो आंख बंद करके उसने बता दिया ये मेरा पोता है, मगर देखा उसने पहली बार। तो उसकी जो खुशी की, जैसे आपने कहा कि रोती हुई आंखें, वो एकदम हंसती हुई आंखें, वो आंसू वही रहते हैं मगर वो भाव बदल जाता है, तो वो इतना अच्छा लगता है। तो एज ए डॉक्टर कभी कई बार हम भी भूल जाते हैं कि अरे ये हम डॉक्टर हैं, और हम उससे कहें कि अरे ये नहीं करो वो नहीं करो, हम भी उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, हम भी लड्डू बांट लेते हैं कि भाई चलिए आपकी खुशी है हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्टोरीज हैं जो एज अ सर्जन प्रोबेबली हम बहुत ज्यादा रियलाइज नहीं करते, बट देन वी डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट, हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है जब वी कम टू नो और हमें लगता है कि कुछ चेंज आया। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक सोशल और एक इमोशनल एस्पेक्ट है, ये जोड़ देता है सालों साल हमारे पेशेंट से। तो आज तक मुझे अपना हर ट्रांसप्लांट पेशेंट याद है, नाम से अच्छा। क्या 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 सर्जरी की थी, कितने साल पहले की थी, सब याद रहता है, क्योंकि वो इतना फ्रीक्वेंटली भी आते हैं, प्लस इतना जुड़ाव है और उनके बारे में। तब अब मैंने हमेशा सोचा है कि मैं 2 मिनट जरूर देती हूँ उन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को, इनकी मानसिकता, इनका स्वभाव समझने के लिए, कि जैसे कि शायद हम ट्रीटमेंट में और फेरबदल करें तो और थोड़ा बेटर हो जाए कुछ। तो ये थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है जो प्रोबेबली हम पहले शुरू में मिस करते थे, मगर एक दो हमारे एक्सपीरियंस के साथ अब हम करने लगे हैं। बहुत बड़ा एस्पेक्ट है डॉक्टर साहब ये, इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तो डॉक्टर के लिए तो छोटी सी बात होती है कि आपने तो सर्जरी की आपको आदत पड़ गई होगी, तो सर्जरी करते समय आपको जोर नहीं आता, लेकिन पट्टी खोलते समय जरूर जोर आता होगा भी इसके क्या से, और उस समय क्या एक्साइटमेंट होती होगी उसको और आपको दोनों को। बिल्कुल। और यही मैं समझता हूँ कि आई डोनेशन का जो अंदर हमारे अंदर जो फायर है, जो पैशन है, वो शायद इसी चीज की है कि किसी की आंख जब खुलती है और उसको अपना पोता नजर आ जाए, तो भी पोता नजर आना जिंदगी के सबसे बड़ी बात होती है हर एक के लिए। और ये इसमें आप वो बनते हैं सहयोगी बनते हैं, आप उसका कारण बनते हैं, बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य है डॉक्टर साहब इस बात का। तो कोई डॉक्टर साहब आपने जैसे अभी एक बात सुनाई उसकी जो मिट्टी खोद के और अपना वो करती थी, तो इस तरह से कोई ऐसा और कोई आपको याद आ रहा है कोई जो बच्चे का हो किसी का? जी जी, तो हमारे पास हर तरह के बच्चे होते हैं, और एक बच्चा था जो उसकी दोनों आंखों में जन्मजात फूला था। तो वो पेरेंट्स कई बार कोशिश करते थे स्कूल जाए और रियलाइज नहीं करते थे कि वो फूला बिल्कुल बीचों बीच था, तो उसे दिखता ही नहीं था। स्कूल में खूब पिटता था वो, और उसको मास्टर भगा देते थे, घर आता था तो माँ बाप डांटते थे। तो वो बोले कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हमने जब देखा तो उसकी कॉर्निया की एक लेयर थी, जो नीचे वाली लेयर है वो खराब हो गई थी दोनों आंखों में। तो हमने कहा भाई इसको डांटो माट तो नहीं, इसको हम बदलते हैं और देखते हैं कितना आएगा। हालांकि आपने थोड़ा लेट किया है, आप पेरेंट्स को समझाया सब किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो मंदबुद्धि बालक है, ये कुछ नहीं करेगा। और ये करीबन घटना है 14 साल पहले की, वो बच्चा तब स्कूल में था।
मैंने उसका ट्रांसप्लांट किया, हमने नीचे की झिल्ली चेंज की और उसके बाद हमने उसको रिहैबिलिटेट किया और कुछ महीनों में उसको हमने जबरदस्ती स्कूल में डाला, पेरेंट्स से इंसिस्ट करके कि नहीं भाई इसको चश्मा दिया, उसने किया, पढ़ता चला गया, वो पढ़ता चला गया, कभी फेल नहीं हुआ, कभी पिटा नहीं उसके बाद। और फिर वो बहुत रेगुलरली आता दिखाने और फिर अकेले भी आने लगा। और फिर एक दिन आया तो मैंने कहा तुम बहुत लंबे हो गए, तुम बहुत बड़े हो गए, क्या बात है, और बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। तो बोला कि आज मैं अपने को दिखाने नहीं आया, आज आपसे मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा किस लिए, तो बोला आज मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। हाँ, तो उसने इतना पढ़ा और 12th किया, फिर कुछ किया BA BSc कुछ की, और फिर वो जब MBA में सिलेक्ट हुआ तो वो मिठाई का डब्बा लेने आया, बोला आज मैं बगैर स्लिट लैंप पे बैठे और आपको बगैर दिखाई जाऊंगा। पहली बार जो उसने, फिर उसने मिठाई का डब्बा खोला और बोला कि पूरे स्टाफ को खिलाऊंगा आज। तो ये कुछ ऐसे पल होते हैं आपके, हमारा स्टाफ सारा इकट्ठा हुआ, हमने, उसने हमारे साथ फोटो खींची, तो हमें भी बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगा कि क्या पता वो बच्चा अगर हम ऑपरेट नहीं करते, या पेशेंट पेरेंट्स सोचते कि मंद बुद्धि है नहीं पड़ेगा, मास्टर भी ये सोचते कि भाई कुछ नहीं होगा, और एक हमने ट्रांसप्लांट जो कर दिया और वो भगवान की कृपा से वो पढ़ लिया और सब कर लिया, और फिर वो फाइनली MBA होके अब अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं जो बहुत चेंज करती हैं, और बहुत छोटे से हमने देखा तो 14 साल हमने उसको फॉलो अप किया। तो ये ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर तो आधे घंटे या पौना घंटे का होता है, और उसके बाद पूरी जिंदगी डॉक्टर की भी बदलती है और पेशेंट की भी, और पूरे परिवार की चेंज हो जाती है, परिवार की। जैसे कहते हैं ना कि एक औरत को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ता है, वैसे ही एक बच्चे का ट्रांसप्लांट करते हो तो पूरा परिवार देखता है। तो ये एक चीज है जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, और प्रोबेबली ये कई चीजें हैं जो हमें बहुत दिल से याद रहती हैं स्टोरीज। जी तभी तो डॉक्टर साहब कहा जाता है कि शहर के अंधेरे को बस एक चिराग काफी है, शहर के अंधेरे को बस इस चिराग, एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। आपने जैसे कहा कि उसके परिवार वाले, उसके आसपास, उसके दोस्त, वो सारा सर्कमस्टेंसेस ही बदल जाते हैं। जो कितनी बड़ी सेवा है, चाहे कितने भी बाधाएं आती हैं जी। जैसे डॉक्टर कुलवंत बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं तो निश्चय रूप से बड़ा अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर कुलवंत, आपको कोई ऐसा याद आ रहा हो कोई, जो जैसे आपने उनको मनाने की कोशिश की और उन्होंने उस समय मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाद में वो आपको हमेशा ये कहते हो कि बड़ा अच्छा होता अगर हम दे देते, डॉक्टर कुलवंत आप थोड़ा सा जोर लगाते हमें, ऐसा कोई केस आया आपके पास? बिल्कुल सर, पहले जब हमने 2011 में जब इसकी शुरुआत की थी तो एक कोटा स्टेशन की तरफ एक केस था जिसमें एक बहू ने, एक घर की बहू ने सुसाइड कर लिया था। तो हम उसकी काउंसलिंग करने के लिए, जब समझाने के लिए गए तो पति तैयार था और परिवार के जो ससुराल के सभी लोग तैयार थे, लेकिन असल में जो उसका भाई था वो बाहर से कहीं से आने वाला था, दूर गांव से। तो वो जब गांव से आया उसने देखा कि यहाँ मेरी बहन ने तो सुसाइड कर लिया और पीछे से ये परिवार वाले लोग मेरे बहन का नेत्रदान भी करा रहे हैं। तो गुस्से में था कि एक तो मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया और आप ये लोग ये गलत काम कर रहे हो। तो उसने मुझे शर्ट से पकड़ के पूरा धकेल दिया कि आप यहाँ से हटो और मेरे को कोई नेत्रदान वेत्रदान नहीं कराना, और आपने ये, आपकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा ही करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाई ये तो एक अच्छा नेक कार्य है और अगर आप लोग मिलके करेंगे तो मैं मानता हूँ ये दुखद घड़ी है, लेकिन अगर आज आप ये नेत्रदान का काम करते हैं तो आपकी बहन किन्हीं दो लोगों में जीवित रह सकती है। लेकिन उसने मुझे टोटली मना ही कर दिया, मुझे कुछ कराना ही नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने हमारी टीम को धक्के देके वहां से रवाना कर दिया। हम वहां से आए नहीं क्योंकि हमें पता था हमें जब काम करना है तो ये तो सब सहना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से तो ये सब चीजें सही होने वाली है नहीं। तो हम लोग वहीं रुके रहे और उनका जो अंतिम संस्कार का जो प्रोसेशन था पूरा, हम लोग मुक्ति धाम तक भी गए और उनका अंतिम संस्कार भी हुआ पूरा जब तक हम वहीं थे। कुछ लोग हमें इसमें इस बात को देख रहे थे कि यार जब इनको मना कर दिया तब भी ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, इनको शर्म नहीं आ रही, बहुत कुछ चीजें ऐसे कह रहे थे। लेकिन वो बात आई गई हो गई और करीब 1.5 साल बाद जाके हमारे पास दोबारा उसी व्यक्ति का फोन आता है। वो कहीं उज्जैन के आसपास की कोई जगह थी, वहां का रहने वाला था। तो उसने मुझे फोन किया कि भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी बहन के साथ तो जो होना था वो तो हो चुका था, कोई भी दुनिया की ताकत उसे वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन शायद अगर वो नेत्रदान का काम अगर आपने हमें समझाया था और हमारे वो समझ में आ जाता
तो शायद मेरी वो बहनें आज किसी दो लोगों में जीवित रहती। तो ये एक कठिन पल तो होता है कि इस समय में जब शोक की घड़ी हो, तो ऐसी ऐसे समय में हम लोगों को जब समझाइश करते हैं तो इतना आसान नहीं है कि वो लोग समझ पाए। लेकिन जब एक संस्था या जब कोई लोग काम करते हैं और उनका पैशन देखते हैं, उनका जुनून देखते हैं, काम के प्रति उनकी लगन देखते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ये विश्वास उनमें लोगों में समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो थोड़े समय वेट भी करते हैं। आज हमारे साथ में सीनियर इतना बदल चुका है कि लोग 80 किलोमीटर दूर से हमें फोन करते हैं और हमारा वेट करते हैं कि ठीक है, जब तक वो टीम नहीं आएगी हम लोग अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। एक एक दिन तक भी अंतिम संस्कार डिले हुए हैं, केवल इस वजह से कि रात को सफर में हमें दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सुबह आ जाइएगा, हम सुबह हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार कर देंगे। तो इतने लंबे लंबे समय तक भी जब लोग इंतजार कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एक नेक काम है, इस काम को हमें और अच्छे स्तर से और अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी आपने पहले वाले केस में जितना आपने विरोध सहा, इतने में ये तो आपको कुछ उसमें मिल नहीं रहा था, आपके अंदर का पैशन था तो भी आपने उसको बर्दाश्त कर लिया। मान लो कुछ मिल भी रहा हो, जैसे कोई व्यापारी हो उसको उसमें लाख रुपए का फायदा हो रहा हो और ऐसी जिल्लत महसूस करनी पड़े, तो अगला कोई बात नहीं, दफा हो, हम तो मैं तो लाख के बिना काम चला लूंगा। लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा था, उसके बावजूद भी आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया, और यही शायद नेत्रदान का जितना भी कार्य आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की तरफ से राजस्थान में हो रहा है, शायद इसी वजह से, ऐसी इसी भावना से हो रहा है। नेत्र बैंक आई बैंक के सदस्य वहां मॉर्चरी के बाहर खड़े होकर सबको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप ऐसे दुखद समय में आप और तो कुछ नहीं कर सकते, ये अच्छा काम कर जाइए, तो उनको कितना विरोध सहना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो डटे रहते हैं। यही शायद कारण है कोई राजस्थान में आज डॉक्टर कुलवंत जैसे और डॉक्टर स्वाति जैसे और आई बैंक के मतलब मेहता साहब से लेकर भावना जी से लेकर और बीएल शर्मा साहब से लेकर सभी लोग जो जुटे हुए हैं, शायद इसीलिए रोशनी जो राजस्थान में जैसी आनी चाहिए थी वैसी नेत्रदान के माध्यम से आ रही है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं सभी को एक एक मन में एक जोत जलाने की कोशिश करते हैं कि नेत्रदान के चर्चा का विषय बनाइए, जहां भी आप हो, जहां भी आपका कोई बस चले तो नेत्रदान के बारे में बात कीजिए, चाहे वो किट्टी पार्टी हो, चाहे कभी कोई डिनर हो चल रहा हो, कभी किसी के शादी ब्याह में भी जाना पड़े तो भी बात चला दीजिए कि हमने ऐसा किया था, हम ऐसा करते हैं। तो आपकी बात जो है, तो जगजीत सिंह साहब की जो गजल है मतलब वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो हम सभी लोग अगर इसी तरह से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, अब अगर मैं आंख दान का कोई अपना पुण्य लेना चाहूं तो सिर्फ दो ही आंखें तो दान कर सकता हूं, लेकिन दान करवा कितनी सकता हूं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हम सभी से आज जो जो फेसबुक के माध्यम से और सिटी लाइफ के माध्यम से जो जिन तक हम पहुंच पा रहे हैं, हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि नेत्रदान को चर्चा का विषय बनाइए, और इसको ऐसा मत महसूस कीजिए कि ये आज दे देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। अरे जितने जिसने इस जन्म में इतना बड़ा काम कर दिया उसको तो भगवान पता नहीं क्या क्या देके भेजेंगे, ये क्या सोचने वाली बात है कि अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। तो डॉक्टर कुलवंत आपने बहुत अच्छी बात कही, और डॉक्टर स्वाति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कुलवंत जी सर, थैंक यू। थैंक यू। City Live, a platform to sharing your thoughts.